अस्सलाम वालेकुम और सुपर क्रिकेट लीग ब्लॉग सेकंड में आप सबका वेलकम है और मैं हूँ सुल्तान सिक्सर्स। अब आज का जो सेकंड ब्लॉग है, जैसे कि पहले ब्लॉग में बर्थडे का एसके की बर्थडे पर बनाया गया था, सेकंड ब्लॉग आज मैंने कहा मैं इधर हूँ तो मैं भी आपको कुछ दिखा देता हूँ और कुछ चीज़ें बताऊँगा कि वाकई इंटरेस्टिंग लगेगी आपको इंशाल्लाह। तो मैं आज का जो सेकंड व्लॉग है उसका टॉपिक सीजन्स पे है। जैसा कि अभी आपको पता है जनवरी का मंथ जा रहा है, तो जनवरी के मंथ में आपको पता है शदीद सर्दी होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो इतनी नहीं थी कि पाकिस्तान तक में मरी का मौसम बना हुआ है, हर जगह बर्फ़बारी हो रही है। यहाँ पर भी बहुत हुई बर्फ़बारी, यहाँ तक कि आपको कुछ नज़ारे दिखाता हूँ कि वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग मौसम था और काफ़ी ज़्यादा सर्द मौसम था कि अनफॉर्चुनेटली बाहर निकलना बड़ी बात है। तो आप सबको मैं दिखाता हूँ, हियर वी गो। तो जैसा कि अभी मैं बता रहा था कि आपको मैं कुछ बताता हूँ सीन इधर के, तो इधर वेल्थम फॉरेस्ट पार्क है, वहाँ पर वाकई में कुछ देखने वाले नज़ारे होते हैं। और चलें, वो तो अलग बात है। मैं अब एस सी एल की अगर थोड़ी सी बात करूं तो जितना मुझे सपोर्ट मिला है, वाकई में मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी जब मैं छोड़ के जा रहा हूं उस टाइम मुझे इतना सपोर्ट मिला, मुझे वाकई में पता नहीं था। तो मैं तमाम फैंस का भी शुक्रिया करता हूं और उन लोगों का भी शुक्रिया करता हूं जो इतना एस सी एल को सपोर्ट भी करते हैं। अच्छा चलें, अभी जैसे आपको पता ही है कि दो सीज़न इतनी मुश्किल से जीता, सीज़न वन और सीज़न एट, सात सीज़न के बाद जाके दूसरा सीज़न जीता। उसके बाद लास्ट में जब आने लगा था उस टाइम मैं दो जीत गया, अनलकीली मैं अच्छी फॉर्म में था उस टाइम। और लास्ट सीज़न में भी सीज़न 18 जब मेरा लास्ट सीज़न था उस पर मैं सेमीफाइनल तक आया, उम्मीद नहीं थी हार जाऊंगा, लेकिन जो न्यू टीम है टीम थंडर बहुत अच्छा खेली और फाइनल तक पहुंची, बेशक ना जीत चैम्पियन है, और सीज़न 19 में फ़ाइनल तक पहुँची और उम्मीद है कि जीतें यह सीज़न। और बहुत कमाल का खेल रही हैं और बहुत ख़तरनाक फॉर्म में आ गया, लेजेंड स्टार्स भी आए हैं। लेजेंड स्टार्स अभी मैं इधर आके बताता हूँ कि मैं साइलेंट किलर को सपोर्ट करने लगे ना, अगर लेजेंड स्टार्स को सपोर्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि वाकई में न्यू टीम है तो सपोर्ट करना बनता है। और आप भी जितना हो सके सपोर्ट करें, पहला सीज़न और सेमीफाइनल बहुत अच्छा खेल रही हैं। अच्छा, ये मैं एंटर हो गया वेलकम फॉरेस्ट पार्क में और ये मैं आपको बताता हूँ कुछ, अब पार्क में मैच हो रहे हैं और अनलकीली क्या मैच होते हैं इधर, क्रिकेट बहुत कम, फुटबॉल की तो बहुत ज़्यादा वैल्यूज है। मैं आपको फुटबॉल के बारे में अगर बताऊँ तो आप ये देख सकते हैं कि कितने बच्चे खेल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा फुटबॉल का तो क्रेज़ ही बहुत ज़्यादा है, क्रेज़ ही कहेंगे इसको, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इधर क्रेज़ है फुटबॉल का। साथ ही साथ आप देखें तो ये अंदर ही जिम है सारा, और वेलसम फॉरेस्ट पार्क बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए भी बहुत फेमस है, जो जिम्स वगैरह इधर मशीन्स। मैं ट्राई नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह फिट हूँ, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो ट्राई करूँगा। और भी काफ़ी चीज़ें हैं और जो कि बर्फ़ बनी हुई थी वो तो अब फिनिश हो चुकी है, लेकिन वाकई में बहुत बर्फ़ पड़ी थी, अब फिनिश हो चुकी है बर्फ़, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम पड़ी तो मैं उस टाइम आऊँगा, क्योंकि हिम्मत नहीं थी, इतना दिल ही नहीं कर रहा था बाहर जाने का, वो कंबल में ही रहने का दिल कर रहा था। तो अभी बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग और सीजन पर, तो मैं अभी काफ़ी ज़्यादा सीन्स थे जो नहीं इशू कर पाए, मुझे अलाउ नहीं कर रहे, तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, वरना मैं आपको वो दिखाता, लेकिन चलें ना। ये जो जगह जिधर मैं आया हूँ इसको नाम है वेलकम शो, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग जगह है और काफ़ी ज़्यादा फेमस है लंदन में। तो मैं बनाने का मकसद था कि मैं अभी एस सी एल को इतनी जल्दी भूला नहीं हूँ, एस सी एल वाकई में याद रहेगा, स्टार्टिंग में उन्होंने भी जैसे मुझे सपोर्ट करते रहे सारे, तो दिल नहीं कर रहा था छोड़ने का। तो ऐसा कि आप
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छी लगती है हमारी वीडियो उसको लाइक करें, डिसलाइक ना।